आप लोग सब उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। सो गाइस, आज मेरे बच्चों को दिल चाह रहा है, मम्मा आज आप हलवा पूरी बना लें घर में, बहुत दिल चाह रहा है। मैंने कहा बेटा कल संडे है, कल बना लूँगी, लेकिन नहीं, बच्चों को सैटरडे को ही खानी है। तो मम्मा आज रात में दिल चाह रहा है कि हम हलवा पूरी खाएंगे, तो मैं बनाने जा रही हूँ हलवा पूरी। पूरियाँ भी बनाऊँगी साथ में, हलवा भी। हमने 1 कप जो है घी ले लिया, 1 कप चीनी ले ली, चीनी का हमने पाउडर बना लिया, और 1 कप सूजी। 1 कप अगर हम सूजी लेंगे तो 1 कप ही चीनी लेंगे, क्वांटिटी सेम होगी घी भी। और 4-5 दाने हम इलायची के ले लेंगे, छोटी इलायची। चलो स्टार्ट करते हैं जी। मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने पतीली ले ली छोटी सी, इसमें मैंने 1 कप जो घी लिया था वो इसमें ऐड कर दिया है, और 4-5 दाने मैं इसमें अब डालूंगी इलायची के। गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। सूजी ऐड करके इसको इतना भूनेंगे अच्छे तरीके से, इलायची और घी में सूजी को, ताकि इसकी जो है खुशबू आने लगे। अच्छे से इसको घी में मिक्स करेंगे गाइस। और साथ में जो है जो चीनी का पाउडर हमने बनाया था एक एक प्याली, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अच्छे से इसको ना मिक्स करेंगे। हमने 2 कप जो है, हमने 1 कप सूजी ली थी, 1 कप घी ले लिया था, और 1 कप इसमें हमने जो है वो चीनी का ऐड कर दिया। 1 कप की क्वांटिटी होगी तो हम उसमें पानी जो है वो 4 कप ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसमें 4 कप पानी ऐड करूँगी, ठीक है। अब इसमें मैंने 4 कप जो है वो पानी ऐड कर लिया है। इसको अच्छे से हम इसको जो है घुमाएंगे चम्मच को इसमें, ताकि अच्छे से जो है चीनी सूजी घी जो है इलायची के साथ और पानी के साथ मिक्स हो जाए। और इसको इतनी देर पकाएंगे कि इसका जो है कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे, और जो है ये अच्छे से जो है मिक्स हो जाए और थोड़ी सी गाढ़ी होने लगे। उसके बाद हम इसमें जर्दे का रंग भी ऐड करने वाले हैं, जिससे सूजी का कलर जो है हलवे का कलर सेम वैसा ही आएगा जैसे बाहर हम हलवा पूरी खाते हैं। हम सूजी को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि जो है ये अच्छे से पक जाए। और इसमें हम जर्दे का रंग भी ऐड कर देते हैं। जर्दे का रंग ऐड करने से क्या होता है कि हलवे का जो कलर है वो बिल्कुल रेडिश कलर आ जाता है, रेड रेड, जिससे जो है हलवा पूरी के साथ खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जितना आपको कलर रेड चाहिए होगा उतना आप ऐड करें। मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया है पानी में मिक्स करके, तो आप जितना चाहें। अब इसको हम अच्छे से पकाते रहेंगे। कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है हलवे का, मज़ेदार। ही हमारी सूजी जो है वो रेडी हो गई। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगे होंगे या 10 मिनट। मैंने सूजी रेडी कर ली है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसको, मैंने टेस्ट भी कर लिया। चले अब बनाते हैं पूरियाँ। तो गाइस, पूरियाँ बनाने के लिए मैं कढ़ाई रख चुकी हूँ चूल्हे पे। अब इसमें हम घी या ऑयल डालेंगे। अगर आप ऑयल यूज़ करें तो ऑयल यूज़ कर सकती हैं, अगर घी डालें तो घी भी यूज़ कर सकती हैं। मैं जो है ज़्यादातर घी यूज़ करती हूँ, किसान घी। तो गाइस, आटा जो है वो मैं गूंद चुकी हूँ, ये आप देख सकते हैं। आटा मैदा लिया मैंने, और मैंने मैदा जो है वो गूंद के रख दिया है। अब मैं बनाऊँगी छोटी छोटी पूरियाँ, और इसमें ऑयल डालूँगी गर्म करने के लिए। मैंने छोटे छोटे जो हैं पूरियों के पेड़े बना लिए हैं। अब इनको मैं बेल के पूरियाँ बनाऊंगी। उसके बाद जो है घी हमारा जैसे ही गर्म होगा हम इसमें पूरी डाल के फ्राई करेंगे। पूरियाँ जो है वो मैं बेल चुकी हूँ, अब हमें इसको सबको फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है, अब इसमें हम एक पूरी डाल के ट्राई करेंगे कैसी बनती है। पूरी हमने जो है और कढ़ाई में डाल दी है, अभी हमारी फ्राई हो रही है। इसको पलटेंगे, इतनी सॉफ्ट बनी है, खाने में भी उतनी ही मज़ेदार होगी। तो गाइस, ये पूरी हमारी रेडी हो गई है, इसको अब मैं डिश आउट करूँगी। इसका ऑयल टोटली जो है वो निकाल लूँगी यहाँ से। हाथ हटाओ बेटा। अब ये मैंने पूरी इसमें डिश में डाल दी है बच्चों के लिए, हलवा भी साइड में डाल दिया है, बच्चे मज़े मज़े से खाएंगे। सो गाइस, जब तक मैं दूसरी पूरियाँ तैयार करूँ। पूरी मैं डाल चुकी हूँ कढ़ाई में दूसरी, और ये रेडी हो रही है। देखें कितनी अच्छे तरीके से फूल रही है, और बहुत ही सॉफ्ट
आटा जितना आप सॉफ्ट गूंदेंगे पूरी उतनी ही लजीज होगी। बहुत ही ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट पूरी बन रही है, बहुत ही मज़े की। दिल चाह रहा है अभी स्टार्ट कर लूँ खाना, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि अभी काफ़ी पूरियाँ मुझे तैयार करनी है। इसके बाद जब मज़ा आएगा, जब सारी पूरियाँ रेडी हो जाएंगी और बैठ के बंदा सुकून से खाएगा। चलें जी, ये पूरी हो चुकी है, मैं निकाल रही हूँ, अब दूसरी डालूँगी इसमें। सो गाइस, हलवा पूरी मैं रेडी कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार पूरियाँ, इतनी सॉफ्ट है ना, खाने में इतनी क्रंची और लजीज। सो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, मेरी सिंपल सी सादा रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, कल दोबारा नई रेसिपी के साथ मिलूँगी, अपना ख्याल रखिएगा।